Hey guys, good morning, welcome back to my vlog. By the way, actually, अभी मैं नोट मतलब सुबह से काम कर रहा हूँ, मैंने जो कोडिंग किया, फिर अब एक ऐप बना रहा हूँ, फिर मतलब जो ऐप तो मैं यूट्यूब के थ्रू सेंड नहीं कर सकता हूँ, मतलब एक सिंपल ऐप था, मतलब जो कैसे काम करता है वो कोडिंग का फॉर्म, वो सीखने के लिए ऐप बनाया हूँ, फिर या तो वो चीज़ सीख गया हूँ, फिर उसका कल थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा तो अच्छे से हो जाएगा वो पार्ट, फिर जाके नेक्स्ट पार्ट में जाऊँगा, मतलब एक ऑनलाइन से मैं सीख रहा हूँ। सो उसके बाद तो यहाँ पे मैं नोट्स बनाया था अभी, तो मतलब ये कंटिन्यू तो काम चल रहा है, ओनली बीच में फास्टिंग था ना, तो फास्टिंग चल रहा है अभी, तो फास्टिंग का इसके लिए मैंने स्टोर था रुका था, मतलब बीच में मतलब ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बैठ कर रहा हूँ, रेस्ट लिया हूँ समथिंग अराउंड 30 मिनट्स तक। यहाँ पे अंधेरा है तो मुझे लगा कुछ बाहर लाइन है तो मुझे कुछ अजीब से लगा। सो एक्चुअली आफिया दूसरों में है, फ़ोन में कुछ कर रही है, मैं दिखाऊंगा तो आफिया मना करेगी इसके लिए मैं दिखाऊंगा नहीं, तो आफिया उस रूम में है और मैं इसीलिए सामने रूम में मैं अपना काम करता रहता हूँ ना, उस रूम में याद है ऐसे लग रहा है क्योंकि अभी तो बारिश हुआ है बाहर, तो मतलब एसी का तो जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी है, मतलब दोपहर को जब गर्मी होता है तो उस समय मैं चले जाता हूँ तो उस समय एसी लग जाता है, तो ये एसी तो लगाना पड़ता नहीं। और बाय द वे अभी आज 7th है राइट, यस, तो आज 7th है, कल मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था लेकिन बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, तो क्या करें, तो वही तो बात है, फिर जाके बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे लाइट ऐसे क्यों आ रहा है बता नहीं कैमरा, तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, अभी 12th बोर्ड है और 10th का तो मैं ऑब्जेक्टिव है सेटिस्फाई हूँ, ये जरूरत नहीं अलग से अलग एग्जाम में प्रिपेयर करना, तो अभी के लिए तो होपफुली मार्क्स भी अच्छा आएगा, जैसे स्कूल में भी जब दिखाएगा तो मार्क अच्छा आया था प्री बोर्ड का, तो इसलिए मुझे डर नहीं है मतलब कम मार्क आएगा बोल के। एक्चुअली प्री बोर्ड में जैसे कि सब कोई बोलते सब बच्चों का कम मार्क आता है, सब बच्चों का कम मार्क आता है, तो एक डर सा रहता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट था कि मार्क कम नहीं आएगा क्योंकि मैं अच्छे से एग्जाम किया हूँ, घर आके रीचेक किया हूँ, मुझे पता था कि मैथ्स का तो नहीं दिख रहा, ओनली साइंस का दिख, लेकिन मुझे लगता है कि मैथ्स का मेरा तो अच्छा आया होगा क्योंकि मैं थोड़ा श्योर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैथ्स बहुत अच्छे से किया हूँ, और सिली मिस्टेक इस बार उस गाँव में हर साल थोड़ा सिली मिस्टेक करता था, लेकिन ऐसा नहीं किया हूँ बोल के मुझे इवन पूरा कॉन्फिडेंट था कैंसिल, मतलब उसका तो मार्क अभी दिखाया नहीं गया क्योंकि वो मार्क चेक हो गया, लेकिन किधर देखे वो स्कूल वाले डायग्नोस्टिक जाके हमें मतलब फिलअप करेंगे फिर हम लोगों को दे देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी नोट्स बनाना कंटिन्यू करता हूँ, आज एक्चुअली सुबह से ब्लॉगिंग करता हूँ, तो इसके लिए अभी ब्लॉगिंग कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली मैं जो बड़े चैनल है उसके लिए वीडियो बनाना है, जैसे मतलब कि कल बनाऊँगा दो दिन को सोचा कौन सा वीडियो बनाऊँ, सोच रहा भी तो अभी तक तो सोचा ही उसको चुका जो भी होगा वो बना करूँगा। और कायदा भी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पबजी मोबाइल जो बैन हो गया उसका अभी पबजी मोबाइल वापस आएगा, उसका नाम चेंज हो गया, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हो गया है, प्लेयर हो सकते हैं, रीब्रांडिंग हो गया तो मतलब कि अलग नाम से इंडिया में आएगा, तो बैन से वापस से अनबैन होना तो मुश्किल है, तो उसके अच्छे तो एक नाम से क्लियर है, स्टैटिक स्टोरी होता वैसे क्या गया होता, तो एक सेकंड में आ गया भी होता, जबकि आज बैन हुआ तो दो दिन के बाद आ गया होता, ये दोनों पहले गवर्नमेंट से परमिशन लें क्योंकि शायद पुराना आई डी वगैरह तो गेम का वो लाएंगे तो आएंगे। सो अच्छा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम तो वापस अभी मेरा हिंदी एग्जाम होता है 10th को, तो उसका प्रिपेयर 4th से स्टार्ट हो गया था एग्जाम, लेकिन जो मेरा तो उड़िया था 4th तो मेरा उड़िया नहीं है, तो मेरा तो रीजनल लैंग्वेज था वो कुछ और ही कुछ था, मेरा तो ओडिया नहीं है, तो मेरा किस तरीके से हुआ होगा, तो मुझे कल तो मैं ब्लॉगिंग में नहीं बताया, लेकिन आज सुबह अचानक से याद है कल तो 6th था, कल मैं इंग्लिश एग्जाम हुआ था, आज मेरा ये एग्जाम नॉर्मल एग्जाम ओके, मेरा हम इतना कि भी आया है एक्चुअली। अभी आफिया को एक चीज बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि आफिया मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट दे दो, आफिया के तो मतलब कि हर वीडियो में 2 से 3 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं आफिया के, सो मेरे तो बढ़ते ही नहीं है क्योंकि मेरा कंटेंट किसको पसंद आता नहीं है,
जो भी दिन में एक दो की मैक्स 3 to 4 व्यूज आता है, जो जान पहचान है वही देखते हैं। जैसे कि मैं एक फ्रेंड देखता है हमेशा एक वीडियो, फिर मेरी बहन देखती है हमेशा वीडियो, फिर मम्मा के अकाउंट से एक बार वीडियो, तो उसमें 3 व्यूज होता है पर डे, उससे ज्यादा और होता नहीं है। तो मेरा मतलब कि मेरा कंटेंट किसको पसंद आएगा तो ये देखेगा ना। जैसे कि बीच में रिकमेंड हुआ था 2-3 लोगों को, फिर आके रिकमेंड नहीं हुआ क्योंकि वीडियो एक साथ 5-6 लोग देखते हैं, एक ही वीडियो देखे थे जिसकी वजह से रिकमेंड हुआ था, फिर वो लोग ही वीडियो नहीं देखे वापस नेक्स्ट टाइम से, जिसकी वजह से रिकमेंडेशन बंद हो गया। तो वही प्रॉब्लम है, मतलब कि तब से मेरा जो व्यूज है और ये अटक गया है उस वीडियो के बाद से। मैं एनालिटिक्स में देखा था वो वीडियो कौन सा है, मैं आपको कल के वीडियो में दिखा दूंगा। जैसे कि आज मैं एनालिटिक्स देख लूंगा, फिर कल वाले वीडियो में दिखा दूंगा। बाय बाय।